हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम अपना प्रोडक्ट का जो मॉडल है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडमिन साइड में कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और प्रोडक्ट ऐड कर लिया है। यहाँ पे दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आ गए। आप यहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बट हर कोई प्रोडक्ट होता है उसकी एक कैटेगरी होती है। जैसे कि यहाँ पे है टी शर्ट, तो वो मेंस टी शर्ट, वो उसकी एक कैटेगरी भी होती है। तो हमें उस कैटेगरी तक कैसे पहुँचना है, तो चलिए आज हम बनाएंगे कैटेगरी मॉडल अपने प्रोडक्ट के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे भी कैटेगरी मॉडल जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर भी बना सकते हैं, पर मैं आपको डिफरेंट मॉडल बना के दिखाऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने इसी जगह पे बना लिया कैटेगरी, तो क्या है कि अगर हमें कभी कैटेगरी चेंज करनी होगी तो हमें हर एक प्रोडक्ट में जाके कैटेगरी चेंज करनी पड़ सकती है। पर हम यहाँ पे आज बनाएंगे एक अलग से कैटेगरी का मॉडल, और वहाँ से हम प्रोडक्ट के मॉडल को लिंक करके सब कुछ हैंडल करेंगे, ताकि जब भी हमें अगर कोई कैटेगरी डिलीट करनी हो तो हमें सारे प्रोडक्ट को देख के फिर उसकी कैटेगरी डिलीट नहीं करनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम कैटेगरी मॉडल बना लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास कैटेगरी और उसका सब क्लास क्रिएट करते हैं। मॉडल्स डॉट मॉडल का सब क्लास हमने कैटेगरी क्रिएट कर लिया है, और उसमें हम एक ही फील्ड रखते हैं अभी, नेम। क्योंकि आईडी जो है वो डिजेंगो का जो डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है, तो उसके लिए हमें उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और उसके अंदर हम मैक्स लेंथ उसकी डाल देंगे 30 रख देते हैं इसकी मैक्स लेंथ। और इस मॉडल को जैसे कि हमें सेव करना है, तो हमने दो कमांड देखे थे, उस तरह से हमें सेव करना होगा। हम टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं फाइल मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। और फिर हम कमांड चला देते हैं फाइल मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। हमारा कैटेगरी मॉडल है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है। हम यहाँ पे साइट में होम में आके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आया ही नहीं। उसके लिए हमें रजिस्टर करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडमिन डॉट फाइव वाली फाइल में जाके हमें अपने कैटेगरी है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट में हम देते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट के क्लास को इंपोर्ट किया था वैसे ही हम कैटेगरी को भी इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कमांड से कॉपी कर लेती हूँ वो लाइन, और यहाँ पे हम अपने कैटेगरी मॉडल को भी रजिस्टर कर देते हैं। अब हम सेव कर लेते हैं। वो रीलोड हो रहा है, हो गया। अब हम रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरीज आ गया है मॉडल, उसके अंदर अब देखते हैं हम कैटेगरी कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड कैटेगरी, जबकि मैंने अभी एक टी शर्ट ऐड किया था, तो हम उसे ले देंगे क्लोथ डैश मैन, मतलब कि मेन के लिए क्लोथ्स है। तो मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। सेव हो गया, यहाँ पे कैटेगरी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है।
एक और कैटेगरी में ऐड कर लेती हूँ, क्लोथ प्लस वुमेन। इससे कैटेगरी को भी हम सेव कर लेते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको सारी ऐड करके दिखाई थी प्रोडक्ट में, इसलिए मैंने अभी दो कैटेगरी दी हुई है। अब या आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हमारा जो प्रोडक्ट का जो मॉडल है और कैटेगरी का जो मॉडल हमने बनाया है, उन दोनों को फेच कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम फोरेंट की यूज़ करेंगे और वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप ये सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए सीखने के लिए, और आप अच्छे से सीखिए। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड द बेल आइकॉन।